शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें अमित शाह, आनंद शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक संसद को लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई है। इस दौरान सत्र को लेकर की गई संसद सत्र सोमवार को शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में जारी सियासी गतिरोध के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बीच रविवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। बाला साहेब ठाकरे की आज सातवीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर बाला साहेब ठाकरे की श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंच रहे हैं और वहीं परिवार समेत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी श्रद्धांजलि दी। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि हमारे प्रेरणादायक संत हिंदू बाला साहेब ठाकरे को शत शत नमन। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर बैठक बुलाई। ये बैठक लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में हो रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अयोध्या मामले में फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार किया जा रहा है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने अपनी समस्याएं बताने के लिए दूर दूर से लोग गोरखपुर पहुंच रहे हैं और वहीं सीएम ने जनता दरबार में लोगों की फरियादें सुनी है और अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत समाधान निकालने का निर्देश भी दिया है। गोरखपुर के पिपराइश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई चीनी मिल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीनी मिल से किसानों को राहत मिलेगी और आय भी बढ़ेगा। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने एआईएमपीएलबी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एआईएमपीएलबी की फंडिंग कहां से होती है। ओबीसी जैसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। देश का माहौल खराब होगा तो जिम्मेदार कौन होगा। उन्नाव में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों ने बिजली सब स्टेशन में आग लगा दी है। आपको बता दें कि ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम क्या केवल किसानों पर लच्छेदार भाषण ही दे पाते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में किसानों का अपमान ही होता रहता है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार देर रात को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ कांग्रेस ने प्रोफेसर गौरव बल्लभ को उतारा है। रामगढ़ से ममता देवी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार 5 बार जीत चुके हैं। प्रोफेसर गौरव बल्लभ एक्सक्लियाराई के प्रोफेसर हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। झारखंड के कई सीनियर नेताओं ने गौरव को प्रत्याशी बनाने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से की थी। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। आईटीओ इलाके में पेड़ों पर लगे पोस्टर में लिखा गया है कि क्या आपने इन्हें देखा है, आखिरी बार इंदौर में जलेबी खाते हुए देखा गया था, पूरी दिल्ली इन्हें ढूंढ रही है। जमशेदपुर में राज्य मंत्री सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीटों से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। प्रयागराज से दारागंज में निरंजनी अखाड़े से जुड़े महंत आशीष गिरी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है।
बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शाम 5:13 पर बंद कर दिए जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में 6 महीने मनुष्य की तरफ से पूजा की जाती है और 6 महीने देवताओं की तरफ से पूजा की जाती है। ग्रीष्मकाल में मानव यहां भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं और शीतकाल में देवताओं की तरफ से पूजा अर्चना की जाती है। ओडिशा के बालासोर से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का रात के समय परीक्षण किया जाएगा। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक की है। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि स्ट्रेटेजिक फॉरेस्ट कमांड ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ये परीक्षण किया। हालांकि अग्नि 2 मिसाइल का पिछले साल ही परीक्षण किया जाना था, लेकिन रात के समय इसका परीक्षण पहली बार हुआ है। इसे बढ़ाकर 3000 किलोमीटर किया जा सकता है। दुश्मन देश को ताकत दिखाने के लिए सेना ने सरहदी जिले बाड़मेर में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र से पाक को चेतावनी दी है। युद्धाभ्यास में 40,000 जवान अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। भारतीय सेना की सबसे ताकतवर 21 स्ट्राइक कोर से भी युद्धाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़े हुए प्रदूषण के कारण सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेशों पर बंद हुई औद्योगिक इकाइयों के उद्योगपतियों के अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों से क्रिसमस के मौके पर आए ऑर्डर अब कैंसिल शुरू होने जा रहे हैं, जिसके कारण अकेले गुरुग्राम के एक जगह स्थापित 20 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिकों को पिछले 20 दिनों में करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ताजमहल की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक देखी गई। अति संवेदनशील ताजमहल के येलो जोन में ड्रोन उड़ाया गया। इससे सुरक्षा कर्मियों में खलबली मची हुई है। ड्रोन उड़ाने वाले का पता नहीं चल पाया है। एएसआई के अधिकारी इसकी जांच लगातार कर रहे हैं। यूपी के संबल में बोरवेल में गिरे ग्रामीणों को निकलवाने के लिए इंस्पेक्टर ने जान जोखिम में डाल दिया। जान जोखिम में डालकर कई घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया गया। घायल ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनी गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। यूपी के गोंडा के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की छात्रा अंशिका को सम्मानित किया गया। अंशिका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुकी है। गोंडा की गूगल गर्ल के नाम से मशहूर अंशिका मिश्रा को विश्व की कई संस्थानों ने सम्मान से नवाजा है। महज 6:26 में अंशिका भारत के सभी जिलों का नाम बता देती है। उसकी इसी उपलब्धि को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड, रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड, चैंपियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ में बाइक चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चोर बाइक को चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर बाइक के लॉक को तोड़ने के लिए कितनी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी के 1,00,000 रुपए न देने पर 24 घंटे में लाश घर पहुंचाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने रंगदारों के इस मामले का खुलासा कर 4 बदमाशों को धर दबोचा है। एसपी क्राइम अशोक वर्मा और सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने पुलिस लाइन्स सभागार में इस मामले का खुलासा किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया है। मामला नौगढ़ तहसील का है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय तेतरी बाजार के गेट पर लगा ट्रांसफार्मर अचानक धू धू कर जलने लगा, जिससे स्कूल और गोरखपुर रोड पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नरर गांव में होटल और पान दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। होटल में रखे पेट्रोल के कारण ये आग लगी है। वहीं आग के कारण गैस सिलेंडर फटने से होटल की छत और दीवार गिर गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
यूपी के प्रयागराज में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब घूरपुर पुलिस और स्वाट टीम ने इरादतगंज के पास एक ऐसे अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा जो काफी समय से एटीएम बदलकर फ्रॉड करने के अलावा अवैध रूप से शराब की तस्करी में शामिल थे। इनकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। यूपी के प्रयागराज में दो पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। बिहार के सहरसा में देर रात जमीनी विवाद को लेकर गोली मारकर मासूम की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आग की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचकुला की कालका से हरिद्वार जा रही बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस मोड़ते समय संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे। झारखंड के दंतेवाड़ा में पुचाली कैंप विरोध मामले में दुर्बा डिवीजन ने प्रेस नोट जारी कर 3 दिनों में युद्ध जैसा माहौल बनाने का आरोप जवानों पर लगाया है। 3 दिनों में 150 ग्रामीणों से मारपीट, मुर्गे और साग सब्जियों की जवानों पर चोरी का आरोप लगाते हुए भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और हवा में जवान फायरिंग कर रहे हैं। आवाज उठाने वाले शहरी लोगों को अर्बन नक्सली बताकर जेलों में बंद कर रहे हैं। दुर्बा डिवीजन के सचिव साईनाथ ने ये प्रेस नोट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कथित तौर पर अश्लील हरकत करने वाले एक युवा जोड़े पर बरस रही है। प्रेमी जोड़ों को मेट्रो में लोगों के बीच आपत्तिजनक हरकत करते देख एक बुजुर्ग महिला को उन पर गुस्सा आ गया और कपल को भीड़ में ही उन्होंने खरी खोटी सुना दी। प्रेमी जोड़ों ने जब उनकी भाषा को लेकर उन पर आपत्ति जताई तो गुस्से में लाल महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने की भी धमकी दे दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटी बच्ची को बेरहमी से पीटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बच्ची की पिटाई उसकी मां ही कर रही थी। बच्ची रोते हुए रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन फिर भी उसकी मां नहीं मानी। नवाज शरीफ को उनके इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिकित्सा उपचार के लिए 4 सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि यह अवधि चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई जा सकती है, जिससे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। समाचार एजेंसी डॉन की खबर के मुताबिक ये इमरान सरकार के लिए एक झटका है, जिसने शरीफ की यात्रा के लिए क्षतिपूर्ण बॉन्ड की शर्त रखी थी। अदालत ने आदेश दिया है कि वो शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने लंदन के नाटो की 70वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वहीं ट्रंप का ये दौरा ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव से कुछ दिन पहले ही हो रहा है। ब्रिटेन में चुनाव 12 दिसंबर को हो रहा है। हालांकि ट्रंप ने हमेशा से नाटो की आलोचना ही की है और ये शिखर सम्मेलन भी पश्चिमी देशों में उथल पुथल के समय ही आयोजित किया जा रहा है। हांगकांग में हुए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद यहां का अलग नजारा देखने को मिल रहा है। हांगकांग की सड़कों पर चीनी सैनिक उतरे हैं और उन्हें सड़कों की बैरिकेड्स को साफ करने में मदद के लिए देखा जा रहा है। यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के चलते पिछले 5 दिनों से शहर का यातायात पूरी तरह से बंद था। सैनिकों ने हांगकांग में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पास कई मुख्य सड़कों पर ईंट और अन्य वस्तुओं को हटाया। आपको बता दें कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार 24वें हफ्ते में भी प्रवेश कर चुका है।
ईरान में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद हिंसा भड़क उठी है। ईरान के कई शहरों में हिंसा की घटनाएं सामने आई है। सरकार ने एक दिन पहले पेट्रोल की राशनिंग और इसकी कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि की घोषणा की है, जिसके खिलाफ में यहां पे लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी को कई जगह आग लगाने की कोशिश करते भी देखा गया। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारियों को काबू में किया जा सका। आपको बता दें कि अमेरिका प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके प्रभाव को कम करने और इससे उबरने के लिए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर सब्सिडी में भारी कटौती की है। केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में घरेलू उद्योगों को प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग से एनओसी नहीं देना होगा। केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले से लगभग 3 लाख घरेलू उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। IRCTC ने मार्च 39 पैसे में 10 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान कर दिया है। इस इंश्योरेंस में आप अधिकतम 10 लाख तक का कवर ले सकते हैं। रेल दुर्घटना के दौरान किसी अप्रिय घटना होने के बाद आपको 10 लाख का स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख चोट लगने की हालत पर हॉस्पिटल खर्च के लिए 2 लाख का कवर मिलेगा। कोई भी यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस के सेक्शन पर क्लिक करके इसका फायदा उठा सकता है। यात्री के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पॉलिसी की सूचना भेजी जाती है। इसके अलावा नॉमिनेशन डिटेल्स भरने के लिए एक लिंक भी भेजी जाती है। टिकट बुक करने के बाद यात्री संबंधित इंश्योरेंस कंपनी की साइट पर जाकर नॉमिनेशन डिटेल्स भर सकते हैं। NCER ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 4.9% तक कर दिया। ग्रोथ रेट में गिरावट का ये अनुमान लगभग सभी सेक्टर में मौजूदा सुस्ती को देखते हुए लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान GDP ग्रोथ रेट 5% रही थी, जो पिछले 6 सालों का निचला स्तर है। NCER के मुताबिक अकेले मौद्रिक नीति के माध्यम से ग्रोथ रेट को पटरी पर लाना संभव नहीं होगा। काउंसिल ने सलाह दी है कि इसके लिए राजस्व प्रोत्साहन वाले कदम उठाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अपने यूजर्स के डाटा से बड़ी कमाई कर रही है। यूजर्स की सूचनाएं कंपनी के लिए किसी खजाने से कम साबित नहीं हो रही। फेसबुक द्वारा जारी तिमाही आंकड़े के मुताबिक पिछले 5 तिमाहियों के दौरान अमेरिका और कनाडा में इसका प्रति ग्राहक औसतन राजस्व करीब 11,000 रुपए से कुछ अधिक रहा है। हालांकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये $15 यानी करीब 1,000 रुपए प्रति ग्राहक रहा। गौरतलब है कि 162 करोड़ यूजर्स हर रोज फेसबुक को विजिट करते हैं, जबकि 240 करोड़ यूजर्स हर महीने यहां सक्रिय रहते हैं। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 4 और अधिकारी ने भी इस्तीफा दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन को दूसरे तिमाही में 30,142 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी के अलावा इस्तीफे देने वाले 4 अधिकारियों में छाया विरानी, रैना करानी, मंजरी कैकर और सुरेश रंगाचर है, जिन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों वी मणिकांतन ने डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिस के पद से भी इस्तीफा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को IPL में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम से बाहर कर दिया है। फिलहाल वो अबू धाबी में चल रहे T10 लीग खेल रहे हैं। युवराज सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब मेरी वो उम्र आ गई है कि जहां पर मैं पूरे साल नहीं खेल सकता हूं। मैं अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, अब अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं।
बीसीसीआई के नैतिक अधिकारी डिक जैन ने पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत याचिका खारिज कर दी है। मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने 4 अक्टूबर को यह शिकायत दर्ज की थी, जब गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। इसमें उन्होंने दावा किया था कि वो कैब अध्यक्ष और बीसीसीआई एजीएम में इसके प्रतिनिधि के रूप में कई पद पर काबिज है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच पारी और रनों के अंतर से जीतने के मामले में विराट कोहली ने एमएस धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 10वां टेस्ट मैच पारी और रनों के अंतर से जीता है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत ने बांग्लादेश को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में करारी शिकस्त दी। भारत ने मेहमान टीम बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंदौर टेस्ट में मिली जीत में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की भूमिका काफी दमदार रही। खासतौर से मोहम्मद शमी ने लोगों को खूब प्रभावित किया है। मोहम्मद शमी ने इन दिनों कमाल की गेंदबाजी की है और वो न सिर्फ रन रोक रहे हैं बल्कि विकेट निकालने में भी आगे रहते हैं। शमी ने न सिर्फ पहली पारी बल्कि दूसरी पारी में भी विकेट लिए और इस टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस टेस्ट मैच में 20 में से कुल 7 विकेट लिए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया, स्टारर मरजावा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। पहले ही दिन 7 करोड़ के कलेक्शन के बाद दूसरे दिन भी फिल्म का क्रेज दर्शकों में बरकरार रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। बिग बॉस सीजन 13 में असीम रियाज ने अपने गेम से लाखों लोगों में अपनी खास जगह बनाई है। सोशल मीडिया पर असीम की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। फैन समेत कई टीवी सेलेब्स भी असीम के गेम की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। शो के होस्ट सलमान खान भी कई बार असीम की तारीफ करते हुए देखे गए हैं। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की डांस और एक्शन के करोड़ों दीवाने हैं। टाइगर ने अपनी अब तक की फिल्मों में ये साबित कर दिया है कि डांस और एक्शन के मामले में उनका हाथ पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। फिल्म मुन्ना माइकल में टाइगर श्रॉफ ने एक ऐसे लड़के की भूमिका निभाई थी जो कि माइकल जैक्सन का फैन है, उनकी तरह डांस के दम पर मशहूर होना चाहता है। टाइगर ने इस फिल्म में कमाल का डांस किया था और अब उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला ने 90 दिन भी शानदार कलेक्शन की है और पहले हफ्ते में 70 करोड़ के कलेक्शन के बाद अब दूसरे हफ्ते भी फिल्म का अपना अलग ही जादू दिखा जा रहा है। फिल्म का कलेक्शन यही इशारा कर रहा है कि बाला जल्द ही करीब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी स्टारर मलंग का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने मलंग का फर्स्ट लुक शेयर कर आदित्य को बर्थडे विश किया। फिल्म में आदित्य और दिशा की फ्रेश जोड़ी देखने लायक है।